मॉर्निंग मार्ड सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मार्ड सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मार्ड आई। आज हम क्लास सेवन वालों के लिए सही 5.3 में आगे बढ़े मार्च से। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट एंड फाइंड द लॉस। देखिए मान लीजिए सी पी एक्स तो एस पी 4/5 है। अब सी पी बड़ा है तो क्या होगा मार्च से, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। अब सी पी माइनस एस पी एक्स माइनस 4/5x, तो 5x माइनस 4x अपन 5, लॉस बराबर एक्स अपन 5 रुपीज़। तो लॉस परसेंट लॉस इंटू 100 अपन सी पी, एक्स बाई 5 इंटू 100 अपन एक्स। एक्स 5 से 2 जा 20 काटिए, फिर एक्स एस काटिए 5 20, 20% कितना लॉस हुआ मेरे से 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 11, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हाँ लेट द सी पी, तो देखिए 4x 3x, क्यों, क्योंकि सी पी एस पी में रेशियो कितना है 4:3, सी पी रेशियो में कितना है 4:3। तो एक्स मान के लिए तो सी पी 4x इधर 3x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 4 आर्टिकल बराबर सेलिंग ऑफ 3 आर्टिकल, तो सी पी बराबर 4x इधर 3x, कौन बड़ा है सी पी, तो सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, तो यहाँ लॉस होगा। लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी। ये जो हम फॉर्मूले घेर दिए आप समझ लीजिए हमारे से, ये फॉर्मूला है, सर ने घेरा फॉर्मूला है। और आपको फॉर्मूला हम बता चुके थे, आपको फॉर्मूला लॉस सी पी माइनस पी। अब सी पी माइनस एस पी क्या 4x/3x, तो लॉस पर लॉस जो 100 पर सी पी, एक्स इंटू 100 पर सी पी 4 है, कट पीट के 25%। ओके मैं ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है बुक में। आई क्वेश्चन नंबर 3, हमीद बाइज ए कैमरा फॉर ₹12,000 एंड सिंस ही वाज नीडेड ऑफ मनी ही हैड टू सेल इट ₹8,400, व्हाट इज द लॉस परसेंट। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मैं क्वेश्चन, सी पी 12,000 दिया है, एस पी 8,400, सी पी बड़ा है तो लॉस होगा क्योंकि सी पी इज ग्रेटर देन, और सो लॉस फॉर्मूला क्या होता है मैडम, सी पी माइनस एस पी, तो सी पी माइनस एस पी हो गया मैडम, तो सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, लॉस माइनस। अब सी पी में से एस पी घटाइए, 12,000 में 8,400, 30,600, अब 3,600 में करेंगे मैडम, तो लॉस परसेंट मतलब लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, तो 3,600 इंटू 100 अपॉन 12,000, 2 जीरो कट गया, 2 0 1 0, 30% क्या होगा मैडम। तो जितना क्वेश्चन मैंने रब पे कराया फिर भी आप बता लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विशुअल है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन हम बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके मैं, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं विशुअल बेस, तो लीजिए मैडम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 8, 10, 8, 10, 12, 15, सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम टू सेम इसी तरह है, बस आपको सी पी एस पी देखना है कौन ग्रेटर है कौन लगा। सी पी बढ़ा है तो लॉस होगा, एस पी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप पढ़ें उसी पे रखना है, बस ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैं, और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाता है मैं, और कल हम आपसे नेक्स्ट टॉप पे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 5.5 सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके सर, पहले फॉर्मूला बता के तब हम स्टार्ट, और हम आपको एडवांस होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करें। ओके मैं शेन, और जितना क्वेश्चन मैंने रब पे करा दिया फिर भी आप बता लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं बी श्योर में, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन हम बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया है उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके मैं, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर, और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम पे हम आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट। ओके माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल बेस्ट, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 एंड वंस अगेन चैन।